पुलिस को चकमा देकर अंबाला के सिविल अस्पताल के बाथरूम से एक बंदी बीते रोज फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए CIA सहित 3 टीमें जगह जगह रेड कर रही थी। फरार हुए बंदी को अंबाला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पकड़ने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पेट में दर्द होने की शिकायत पर अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हवालाती को 2 सितम्बर को अंबाला सिटी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद बीती रात बंदी अस्पताल के बाथरूम से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अंबाला SP के निर्देशों पर बंदी को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई, जो जगह जगह छापेमारी कर बंदी की तलाश कर रही थी। अंबाला पुलिस ने बंदी को अंबाला शहर के मंजीत साहिब गुरुद्वारे के पास से पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए बलदेव नगर थाना SHO ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और जाँच की जा रही है। देखिए, कल जैसे आप लोगों को सूचना हमने दे दी थी, एक अवालती था जो जेल प्रशासन द्वारा एडमिट करवाया गया था हॉस्पिटल में, और शाम को वो बाथरूम के बहाने से जब उसको गार्ड जो हमारा ड्यूटी पे था उसको भी लेके गया था, तो बाथरूम के अंदर कोई रास्ता था पाइप, वहाँ से वो निकल गया था पाइप चढ़ के छत के रास्ते से। उसके खिलाफ रात हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था, जो उसके बाद SP साहब के निर्देश पर 3 टीमें बनाई गई थी उसकी तलाश के लिए। उसकी काफ़ी तलाश की गई है और 24 घंटे के अंदर अंदर ही हमने उसको उसकी तलाश कर लिया और उसको पकड़ लिया गया। एक्ट के तहत इसमें मुकदमे दर्ज थे और करीब 5 से 6 मुकदमे इसमें दर्ज हैं। आपको बता दें कि अंबाला में पुलिस को चकमा देकर सिविल अस्पताल के बाथरूम से फरार हुए बंदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मंजीत साहिब गुरुद्वारा से काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।